माय स्वीट होम एंड डेकोर चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चलिए आज बना लेते हैं कॉफ़ी रेजिड केक। बहुत ही टेस्टी केक है ये और टी टाइम के लिए तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। तो चलिए इसका प्रोसेस देख लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले कॉफ़ी केक के लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेंगे। मैंने मीडियम पे रखा है इसको, मीडियम पे नॉब रख के इसको 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे ताकि केक जैसे ही बैटर तैयार हो फटाफट हम उसको बेक कर लें। तो चलिए बना लेते हैं कॉफ़ी केक विथ रेजिन्स। तो हमने ले लिया है यहाँ पर 150 ग्राम मैदा और उसमें डाल रहे हैं हम 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा और अब हम डाल लेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको हम 2 बार छान लेंगे ताकि मैदा हमारा अच्छे तरीके से खिल जाए। इसको हम विस्क कर लेंगे। अब हम डाल लेंगे इसमें 150 ग्राम चीनी, इसको भी एक के साथ बीट कर लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। और हम डाल लेंगे 1 टेबलस्पून के करीब कॉफ़ी डिकॉक्शन। अब इस मिक्सर में ऐड कर लेंगे मैदा, थोड़ा थोड़ा मैदा हम डालकर इसको बीट कर लेंगे। इस तरीके से बाकी मैदा भी हम धीरे धीरे ऐड करके इसका बैटर मिक्स कर लेंगे। तो बचा हुआ भी मैदा हम इसमें ऐड करके इसको एक मिक्स दे देंगे।
अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा दूध, 2 टेबलस्पून के करीब दूध डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हमने लिए हैं थोड़े से किशमिश, उसको थोड़ा सा मैदा हमने छिड़क कर कोट कर दिया है ताकि ये नीचे ना चले जाएं, बिल्कुल तले में चले जाते हैं अगर इन पे आप मैदा नहीं कोट करेंगे तो। अब इनको भी हम किशमिश को भी डालकर मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही रहनी चाहिए। तो चलिए इसको हम केक हमारा केक का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। चलिए हम अभी इसको केक टिन में डाल लेते हैं। केक टिन में हम थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं चारों तरफ से। तो बटर लगाने के बाद इसमें मैंने मैदा छिड़क लिया है और उसको चारों तरफ स्प्रेड करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कोट हो चुका है। तो इसमें हम अपना केक का बैटर डाल लेते हैं। केक का बैटर हम ऊपर तक नहीं डालेंगे, सिर्फ आधे से ऊपर डालेंगे, एक हिस्सा हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा केक राइज करेगा अच्छी तरीके से। और इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे ताकि एयर बबल्स हैं तो निकल जाए। और चलिए अब ये रेडी है बेक होने के लिए, हम इसको माइक्रोवेव में बेक कर लेते हैं। और उसको हम मीडियम पे रख लेंगे और इसको हम पहले 7 मिनट्स के लिए हम इसको बेक कर लेंगे मीडियम पे, क्योंकि ये माइक्रोवेव है इसमें जल्दी बन जाता है। तो चलिए इसको बेक होने देते हैं हम। 7 मिनट ये बेक हो जाएगा तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे और उसके बाद अगर ये थोड़ा सा अच्छा होगा तो फिर हम इसको दोबारा से 1-2 मिनट के लिए रख लेंगे। वैसे तो ये बन जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स 7 मिनट हो चुके हैं और हमारा ओवन अभी बंद हुआ है। तो मैं इसको एक बार ऐसा करती हूँ, चेक कर लेती हूँ। तो देखिए एकदम क्लियर आ चुका है। तो इसको हम बंद करके रख लेते हैं। तो हमने केक को इस तरीके से ढककर ठंडा कर लिया है ताकि ये मॉइस्ट रहे। अभी भी ये थोड़ा गर्म है। देखिए हमने इसको चेक कर लिया था, अच्छी तरीके से एकदम परफेक्ट आ चुका है। इसके साइड्स को लूज़ करके मैं इसको प्लेट पे निकाल लेती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके ऊपर शुगर पाउडर छिड़क दिया है। कितना सॉफ्ट बना है ये केक, देखिए इसको, इतना सॉफ्ट, बिल्कुल रुई जैसा। देखिए इतना सॉफ्ट बना है ये, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। कॉफ़ी केक है ये, रेजिन कॉफ़ी केक, और चाय के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों के लिए भी ये स्नैक टाइम में बहुत अच्छा केक है। ज़रूर बनाना और एंजॉय करना अपने फैमिली के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं फिर अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और मेरी रेसिपीज ट्राई करते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।